हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में मैं एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो ईद आने वाली है, शादियों का सीज़न चल रहा है और आए दिन किसी ना किसी पार्टी फंक्शन में हमें जाना ही होता है। तो यार, कहाँ तक पार्लर जाया जाए, कहाँ तक ये बाहर की मार्केट की क्रीम्स और ये वो यूज़ किया जाए, इससे अच्छा है कि घर पर ही बना के कुछ यूज़ कर लो। फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खर्चा भी कुछ नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं एक होममेड उपटन शेयर करने वाली हूँ, जिससे जो आपके स्किन है उसका कलर एक दो शेड लाइटन हो जाएगा। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, स्किन पे ग्लो आएगा, स्किन ब्राइट होगी और जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं ना यार, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अगर आप भी ये सब चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस उपटन को बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है ये चिरौंजी दाने, जो कि एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनमें होता है विटामिन B1, B2, विटामिन C होता है और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कि स्किन को बहुत अच्छे से निखारने का काम करता है, स्किन को ब्राइट करता है, फेयर करता है। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, खाने के फ़ायदे तो हैं ही और साथ में अगर आप इसको फेस पर लगाते हो तब भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए मैंने 8 से 10 चिरौंजी के दाने दूध में रात भर भिगो के रखे हैं। दूध आपको कच्चा लेना है और उसमें आप 2 से 3 रेशे केसर के भी डाल दीजिए और इसको रात भर भिगो के रखना है। तो मैंने तो इसको रात भर भिगो के रखा था। अगर आप रात भर भिगो के नहीं रखना चाहते हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। रात भर भिगो के रखते हैं तो इसमें एक मलाई की लेयर आ जाएगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको मलाई सूट नहीं करती है, तो आप उस मलाई को निकाल दीजिएगा। तो अब ये जो मिक्सचर है इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो पहले से ही जो चिरौंजी दाने हैं उनको पीस करके यूज़ कर सकते हो, पर मैंने इसको रात भर भिगाया। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो देखिए, ये पीस करके इसका पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर। आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप ऑरेंज जूस मिला लीजिए, या फिर जो ऑरेंज के छिलके हैं उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीस करके उसमें मिला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर और साथ ही इसमें मिलाऊँगी मैं थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। और आप किचन हल्दी मिलाना चाहते हो तो हाँ, वो भी मिला सकते हो, थोड़ा सा किचन हल्दी मिला दीजिए अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिला दी कस्तूरी हल्दी और ये इतना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इससे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आप देख सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं तो कितना अच्छा काम करेगा इसके ऊपर। तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। इसको आप ब्रश की मदद से या फिर फिंगर टिप की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। इसमें मिक्स किया है मिल्क, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जो स्किन को डीपली क्लीन करता है। फिर इसमें मिक्स किया गया है केसर, केसर तो आप जानते ही हैं कलर को फेयर करने के लिए कितना अच्छा होता है केसर। ऑरेंज पील पाउडर यूज़ किया है जो कि पिगमेंटेशन को कम करता है, स्किन पर जो भी दाग धब्बे हैं उनको कम करेगा। हल्दी में होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो कि स्किन रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को कम करती है। इसको लगाने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दीजिए, जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो ये ड्राई हो गया है। तो अब इसको अच्छे से मसाज करते हुए, ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको निकाल देंगे और फिर फेस को वॉश कर लेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ अपना फेस वॉश करने के बाद। तो आप देख सकते हो लाइव रिजल्ट, चेहरा एकदम साफ लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है और कलर भी थोड़ा ब्राइट लग रहा है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपका जो कलर है वो एक दो शेड लाइटन ज़रूर हो जाएगा। ये उपटन आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चों का कलर थोड़ा सा डल लग रहा है तो आप उनको ज़रूर ये यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए। और अगर आप नई दुल्हन बनने वाली हैं तो भी ये उपटन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस उपटन को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि इसने कैसा काम किया।
और अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।